क्या है यार मुन्ना, मेरे रास्ते में बार बार आ जाती हो। मैं तुम्हें रास्ता नहीं दूंगी। मैं चलना लंबी नहीं कर, मुझे गाड़ी में भी बैठना है, मुझे गाड़ी में जाना है। एक मिनट रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। तमाशा लगा के रखा है। रुक साले। अब देखो ये पागल मुन्ना मेरे सामने आता रहता है। क्या यार तुम यहाँ पे भी आ गई, घर को जाओ यहाँ से। छोड़ो मुझे, छोड़ो। एक मिनट रुको, तुम्हारी गाड़ी इतना पेट्रोल खाती है उसके बावजूद भी तुम उस पे सफर करते हो। क्या तुमने मेरी गाड़ी के बारे में बोला? छोड़ मुझे, हट जा यहाँ से। इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा? अगर मेरे हाथ होते ना तो मैं तेरा गला दबा देती। मुन्ना नहीं, मुन्ना मेरे पास मत आना। मुन्ना नहीं, मुन्ना नहीं, नहीं मुन्ना आगे मत आना। मुन्ना मुन्ना एक मिनट रुको तो सही, बात तो सुन लो यार। मैं तुम्हारे अंदर 50-50 रुपए का पेट्रोल डलवा के थक गया हूँ यार। अब मेरी जेब में पैसे भी नहीं होते। अगर तुम मुझ में पेट्रोल डलवा के थक गए हो तो मुझे गैस से चला लो। अबे चाचू तू और गैस से चलेगी? अबे चल चल पागल मत बना। अगर तुझे यकीन नहीं आ रहा तो मुझे आजमा कर देख लो। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। भाई आज हम मुन्ना शपाटर पे एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि तुम लोग की सोच के और सुन के हवा खुश्क हो जाएगी। मुन्ना शपाटर बाइक पंचर है। तो ये कौन है? बालू बाइक पंचर है। मेरी मुन्ना शपाटर पंचर नहीं हो सकती। अबे अजीब से बबलू, तेरी बाइक पंचर है, गौर से देख। मेरी मुन्ना शपाटर पंचर कैसे हो गई? देखना। अबे यार, अबे मुन्ना शपाटर तुम मुझसे चैलेंजेस लगाती रहती हो और तुम यहाँ पे मेरे से पंचर हो गई यार। मैं तेरा वजन इतना ज्यादा, बबून जैसे चूतड़ है, पंचर नहीं होगी तो और क्या होगा? बात तो सही है। अबे मेरी मुन्ना शपाटर पंचर कैसे हो गई? अब जल्दी से इसका पंचर लगवाते हैं, फिर उसके बाद इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अबे यार मेरी मुन्ना शपाटर को पंचर लगवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद इस पे एक्सपेरिमेंट होंगे। यार मेरी मुन्ना शपाटर पे पंचर लगा दो और ऐसे लगाना बिल्कुल प्यार से, क्योंकि मैंने बड़े नाजों से पाला है इसको। अब देखते हैं यार मेरी मुन्ना शपाटर के अंदर कितने पंचर है। भाई कोई पंचर मिला क्या? एक पंचर है। वही मेरी मुन्ना शपाटर का सिर्फ एक ही पंचर है। एक ही पंचर था, ये दुआ करो एक पंचर था। जिस हिसाब से तुम्हारे चूतड़ा, मुझे तो लगा 10 पंचर होंगे। क्या मेरी ट्यूब खत्म है? नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो लगवाई थी नई ट्यूब। क्या यार ट्यूब ही खत्म हो जाती है, ये ट्यूब को क्यों घिस रहे हो? अबे भाई इसको लेने से बेहतर है तुम गधा गाड़ी ले लेते, इसको तो आग लगा देनी चाहिए। माचिस का है। मेरी मुन्ना शपाटर की यही तो खासियत है, इसका जो टायर है ना बहुत पुराना और बहुत ही यूनिक है। ये टायर किसी भी बाइक में नहीं लग सकता। फाइनली मेरी मुन्ना शपाटर का पंचर लग चुका है। जल्दी से बस अपनी मुन्ना शपाटर पे एक्सपेरिमेंट करूंगा और चेक करूंगा कि वो चीज हो सकती है नहीं हो सकती। बस जल्दी से मेरी मुन्ना शपाटर तैयार हो जाए, उसके बाद इस पर जो एक्सपेरिमेंट करने का मजा आएगा ना, मतलब चस आ जाएगी। मैं सोच रहा हूँ यार उस एक्सपेरिमेंट में मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। ये क्या कर रहे हो? आग लगा रहा हूँ, देख नहीं रहा क्या कर रहा हूँ? मेरी मुन्नी मुन्ना शपाटर पे आग लगा रहा है। दे दे। हाँ, छोड़। नहीं नहीं नहीं, मेरी मुन्ना शपाटर पे आग मत लगा। अबे ये इधर दे मेरे को माचिस, मेरी मुन्ना शपाटर पे आग लगाएगा, तेरे को शर्म नहीं आती क्या? इस मुन्ना शपाटर पे तो आग भी नहीं लग रही, इतनी घटिया है ये, इसको तो दफनाना पड़ेगा हमें। फाइनली भाई आपके भाई की मुन्ना शपाटर तैयार हो चुकी है, अब जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। अबे यार क्या हो गया मेरी मुन्ना शपाटर को, नजर लग गई है इसकी। चलो गाइस अब अपना मुन्ना शपाटर की बारी आ गई है एक्सपेरिमेंट करने की, मजा आने वाला कसम से। अब तो अबे ये तू जो सोच रहा है ना करने का, धमाका हो जाएगा। अबे तुम्हें पता भी है क्या कर रहा हूँ मैं? अबे तू कोई कांड ही करने वाला है, सब पता है मुझे। अबे यार अभी रुको, जरा सबर करो, अपनी मुन्ना शपाटर से चैलेंज लगाए। बस यार ये मेरी मुन्ना शपाटर जो एक्सपेरिमेंट है ना ये कामयाब हो जाए, फिर तो चस आ जाएगी, फिर तुम लोग सब भी वो एक्सपेरिमेंट पूरा करना। आज भाई ऐसे काम करते हैं जो कोई करने की सोच भी नहीं सकता, समझ रहे हो? फिर भाई अब तो मेरा एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, बस ये वाला एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए। भाई तेरी तो इतनी ये घटिया बाइक है ना, तू रास्ते में जाएगा पुलिस वाले चलान के बजाय तेरे को उल्टा ज़कात फितरे के पैसे दे देंगे। इतनी बुरी नहीं है मेरी बाइक। भाईजान एक काम करो, इस बाइक को कबाड़ी वाले को दे दो, सामने देख आ रहा कबाड़ी वाला। भाईजान रुक रुक रुक, कबाड़ी वाले रुक रुक। नहीं नहीं इस बाइक को ले यार, इसको तोल और उसको लेके जा। कबाड़ी वाले कितने की लेगा? 10,000 रुपए, ठीक है ना? 10,000 की ये? हाँ। मेरी मुन्ना शपाटर करोड़ों रुपए की है। आए? 10,000 की नहीं है भाई। फाइनली अब बारी है इसके डब्बे को खोलने की। इस डब्बे को हम हटाएंगे, उसके बाद इसके अंदर वो जो तिगड़म करेंगे ना, फिर उससे हम वो चीज चलाएंगे। इसके जल्दी जल्दी से नट खोलते हैं, सबसे पहले तो ये वाला नट खोलते हैं। और ये लात क्यों मार रहा हूँ?
ये बाइक जो है ना बगैर पेट्रोल के चलेगी। तुम लोग मतलब सोच सकते हो, मतलब ये बाइक बगैर पेट्रोल के। हम पता है किससे इसको चलाने वाले हैं? हम चलाने वाले हैं गैस से, वो भी LPG गैस। मतलब मैं तो सोच के बोल रहा हूँ यार, ये क्या हो सकता है। तुम लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ये बहुत ही कोई मजे की वीडियो होने वाली है। बिस्मिल्लाह करते हैं और इसका डब्बा खोलते हैं। जब यार इसका डब्बा खुलेगा, इसका इंडिकेटर भी उतारना पड़ेगा। तुप तुप बिल्कुल तुप। चलो फिर हम इसका डब्बा खोलते हैं, लेट्स गो। भाई फाइनली हमारी बाइक जो है वो रेडी हो चुकी है, अब वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ये चेक करो भाई साहब, माशाल्लाह फुल टाइम हमने अपनी बाइक पे से उसकी पूरी खाल उतार दी। ये चेक करो, इसका इतना मोटा सीना था और यार इसके अंदर ये इसका कवर भी लगा हुआ था। बेशर्म आदमी, पूरी बाइक नंगी कर दी तूने। अबे बाइक नंगी नहीं की यार, अब इस पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम इसको चलाएंगे गैस से। गैस कौन सी वाली? ये वाली तो नहीं। अबे पागल, ये वाली गैस नहीं, हम लोग चलाएंगे LPG गैस से। अब इसके अंदर पेट्रोल का कोई काम नहीं। अब जल्दी से इसका सारा पेट्रोल खाली करते हैं और अब इसके अंदर हम बनाएंगे गैस वाली बाइक। यार हमारी ड्रीम बाइक नंगी होने के बाद हल्की हो गई। ये देखो पूरी बाइक हाथ में उठा ली और इसका तो ऐसा लग रहा है वजन ही नहीं है। चलो भाई हम अपनी गैस को भरवाते हैं, और गैस इसलिए भरवा रहे क्योंकि हमें उस गैस से अपनी बाइक चलानी है। अबे नहाने की जगह नहीं है, नाला है। नाला है ना, लंबी नहीं कर, अभी इसको गैस भरवानी और हमें इससे बाइक चलानी। भाईजान इसमें गैस डाल दो, अपनी गैस नहीं डालेगा, इसके अंदर वो जो LPG है ना वो डालेगा। अपनी गैस ना डाल ले इसके अंदर। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। अबे अपनी गैस नहीं डालनी, 1 किलो गैस डालनी है। आज मुझे पता चला गैस का भी वजन होता है, जमीन का वजन इतना ज्यादा हो गया है। ओ भाई साहब गैस चलाने की आवाज आ रही है, चेक करो। ऐसी आवाज तो जब आती है जब सोनू भाई सो रहे होते हैं। भाई हमारा गैस का सिलेंडर तैयार हो रहा है क्योंकि हमें इससे चलानी है बाइक। बस यार ये पंचायत है, अब देखते हैं अल्लाह करे हम ये गैस से हम बाइक को चला लें। गैस वाले भाई आप एक बात बताएं, इससे हम बाइक चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। बिल्कुल नहीं करें? भाई गैस वाले भाई तो बोल रहे हैं हम इससे बाइक चला सकते हैं, अब अल्लाह करे हम बाइक चला लें। 1 किलो में 80-82 किलोमीटर। मुंह से तो सुपारी निकाले हम। अच्छा यार कोई बोल रहा है इस सिलेंडर से हम बाइक चला सकते हैं, कोई बोल रहा है नहीं चला सकते। अब पता नहीं क्या पंचायत है यार, अब चेक करके ही पता चलेगा। जल्दी से आ जाओ, अब जल्दी से इसको हम अपनी बाइक पे लगाएंगे, मजा आने वाला है यार। अब पता चलेगा कि हमारी बाइक चलती है कि नहीं चलती। मुन्ना शपाटर को स्टार्ट करते हैं और अभी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी करते हैं। ओ भाई साहब अभी ये तो खुद भाग रही है, और इतनी हल्की कैसे हो गई? ओ भाई अरे भैंस की टांग, पागल हो गई हमारी मुन्ना शपाटर। अबे रुक जा भाई, तुझे गैस से चलाएंगे, पेट्रोल का सिस्टम ही खत्म कर देंगे। अबे फाद भाई ये गैस से चल सकती है क्या? अबे फिर तो सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। अबे रुको जरा, सबर करो अभी तुम लोग। अभी अपनी मुन्ना शपाटर जो है ना इसको हम चलाएंगे गैस सिलेंडर से। बस अल्लाह करे हमारी मुन्ना शपाटर जो है ना वो बस चल जाए। भाईजान भाईजान ये बाइक पे वीडियो बनी है, तारे जमीन पर फैल दिए। तारे जमीन पर। चलो भाई फाइनली हम अपनी मुन्ना शपाटर का जो पेट्रोल वाला हिस्सा है ना उसको हम अलग करने वाले हैं। ये इसके दो पाइप जा रहे हैं, ये एक इसका पेट्रोल का अंदर जा रहा है और ये दोनों हम बाहर निकाल देते हैं। ये देखो ये पेट्रोल बाहर आ रहा है, इसको हम बंद कैसे करें यार? एक काम करते हैं ये वाला पाइप हम निकाल देते हैं। ओ भाई पेट्रोल गिर रहा है, रुको ये वाला पाइप हम निकाल देते हैं और यहाँ से पेट्रोल ऑफ कर देते हैं। पेट्रोल ऑफ करेंगे और फिर हम यहाँ पर गैस वाला सिस्टम लगाएंगे। ये देखो भाई अभी मैं उंगली हटाऊंगा और ये बाइक बंद हो जाएगी। ये देखो बाइक बंद हो गई है और अब इसके अंदर हमने पेट्रोल वाला सिस्टम जो है ना खत्म कर दिया। ये मैं अगर ऐसे खोलूंगा तो फिर पेट्रोल गिरेगा, वरना नहीं गिरेगा। यहां से हमने समझ लो पेट्रोल वाला सिस्टम हमने खत्म कर दिया। अब ये वाला जो सुराख है ना इसके अंदर हम लगाएंगे इस गैस के सिलेंडर को। बस अल्लाह करे ये मुन्ना शपाटर जो है ना ये वाला मिशन हमारा सक्सेसफुल हो जाए, फिर तो मतलब आप लोग भी गैस से बाइक को चला सकते हो। यार वैसे अपनी ड्रीम बाइक का ये वाला जो लुक है ना ये बड़ा मजे का यार, मतलब इसके ऊपर जब डब्बा लगा हुआ था वो भी अच्छा था, मगर ये लुक तो अलग ही लेवल का है। तुम लोग कहते हो अपनी ड्रीम बाइक को मॉडिफाई करवाओ, अगर तुम लोगों ने इस वीडियो पे 50,000 लाइक करवा दिए तो आपका भाई इस ड्रीम बाइक को पूरा का पूरा मॉडिफाई करवा देगा, और मॉडिफाई भी अपने लेवल की कराएगा। फाइनली अब वो वक्त आ गया है कि हम अपनी ड्रीम बाइक को इस गैस से चला लें। बस अल्लाह करे चल जाए, कोई पंचायत ना हो। अब देखो ये जो पॉइंटर है ना इस पॉइंटर को हमने यहाँ से खोला, ये एक अलग पंचायत कर रहा हूँ मैं, तुम लोगों को बताता रहता हूँ। इसका यहाँ से हम इसका ढक्कन हटाएंगे, उसके बाद ये जो इसका मुँह है ना
इस गैस के पाइप के मुंह के अंदर घुसेड़ेंगे। ये देखो, ये ऐसे करके घुसेड़ेंगे। भाई कहीं धमाका ना हो जाए। अबे यार नहीं होगा धमाका इंशाल्लाह। अभी हमारा मिशन जो है ना वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और ये जो इसकी छोटी सी फुंतलू जैसी नेप है ना, इसको हमें निकालना है। ये देखो, ये हमने निकाल ली, इसको हम रखेंगे नीचे। अब ये जो इसका फुंतलू है ना, इसको हम लगाएंगे बाइक के फुंतलू के अंदर, फिर इंशाल्लाह हमारी बाइक चल जाएगी गैस के साथ। और ये जो इसकी अंदर वाली इंक है ना, इसको भी हटा के आपको फेंक देना है। बस इसके अंदर ना हवा क्रॉस होनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास ना प्रेशर कम जगह पे होना चाहिए, मतलब सिर्फ इसी जगह से प्रेशर निकले। चलो यार आ जाओ। चलो यार बिस्मिल्लाह करते हैं। और अब हम इसके जो आगे वाली नेप है ना, उसके अंदर हम ये पॉइंटर को लगाते हैं, इंशाल्लाह हमारी बाइक चल जाएगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखो, ये जो इसका छेद है ना, ये वाला, इसके छेद के अंदर हम ये वाला घुसाएंगे। बिस्मिल्लाह, घुस जाना। घुस गया, मतलब अब हमारा फुल तैयार हो चुका है। चलो भाई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी मैं गैस को ना स्टार्ट करूंगा। ओ भाई ये क्या हुआ यार, हमने ना, मुझे लगता है गैस थोड़ी ज्यादा खोल दी है। इसको अभी हम दोबारा से लगाते हैं और गैस को थोड़ा सा कम खोलते हैं। अभी पूरी टोटली हम इसको गैस पर चलाएंगे, पेट्रोल वाला चक्कर हमने खत्म कर दिया। ये चेक करो, स्टार्ट ही नहीं हो रही, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगी। ये देखो नहीं हो रही स्टार्ट, क्योंकि हमने इसमें पेट्रोल डाला हुआ नहीं है, पेट्रोल वाला कनेक्शन ही हमने खत्म कर दिया। अब बस गैस से हम चला के दिखाएंगे आपको। ये चेक करो, ये लगा दिया हमने। और अब हम ना गैस थोड़ी कम खोलेंगे और इसको यहाँ से ना थोड़ा पकड़ के रखेंगे, अपने हाथ में रखेंगे गैस का, सही है। ये चेक करो, मैंने थोड़ी गैस खोल दी, गैस का प्रेशर भी बहुत तेज है ना। चलो अब स्टार्ट करो। अबे फाज भाई मुझे डर लग रहा है, स्टार्ट करो। बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर। हाँ आई आई, थोड़ी सी आई। ओए ओए हो रही है, दोबारा कर, चेक कर। होगी होगी, एक सेकंड, होगी होगी, दोबारा कर। आहिस्ता आहिस्ता, मैं गैस थोड़ी और छोड़ रहा हूँ। हाँ गैस थोड़ी और छोड़ रहा हूँ। स्टार्ट कर। खोल। एक सेकंड रुको, गैस का थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है ना, इसी वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। हमें गैस का प्रेशर अपने हाथ में रखना पड़ेगा। ये देख रहे हो कितना तेज प्रेशर है, थोड़ी कम गैस इस पर चाहिए। हालांकि हमने जुगाड़ भी किया पॉइंटर की, फिर भी नहीं हो रहा। अब एक जुगाड़ है, ये चेक करो, ये हमने खुद से बनाया था। ये हम इसके आगे लगाते हैं ऐसे करके और फिर हम इसको गैस से चलाएंगे। वही हो रही है उसकी आँख। चल मैंने गैस खोली हुई है। ये चेक करो, तुम लोगों की गैस की आवाज़ आ रही है। ये देखो, ये यहाँ से गैस निकल रही है। ये देखो आवाज़ आई। इसके अंदर ना थोड़ी सी कम गैस हमें डालनी पड़ेगी, मतलब ये बड़ी पंचायती काम है यार, बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है इस काम के अंदर। तुम लोग भी करोगे ना, तुम लोग तो बोलोगे यार फाद भाई नहीं हो रहा यार। ओ भाई साहब, अबे गैस थोड़ी कम खोलो यार, इतनी ज्यादा गैस नहीं खोलनी। हाँ बस भाई, फाइनली हमने पूरी की पूरी गैस का सेटअप कर दिया है, हमने स्पीड भी मेंटेन कर दी है। अब गैस जो है ना बिल्कुल अपने प्यारे से अंदाज से जाएगी। अब बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको मुन्ना शपाटर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दुआ करो यार बस जल्दी से स्टार्ट हो जाए यार। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अबे यार नहीं हुई यार। सिलेंडर को हम इसके ऊपर रखते हैं और धक्के पे स्टार्ट करके देखते हैं। अल्लाह करे धक्के पे स्टार्ट हो जाए। एक तो इसका क्लच भी तो नहीं है ना, और इसका पाइप लगाओ, क्या लगाना है तुम लोगों, जान से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। किक से पता नहीं क्या हो गया, स्टार्ट नहीं हो रही, अवर हो गई शायद। चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चलाओ। वो भी उसकी वो स्टार्ट हो गई। अरे दो अरे गैस से स्टार्ट हो गई। ओबे भाई साहब, ओबे दिखा इधर दिखो मैं इसकी आंख। ओबे भाई बंद हो रही है, वो स्टार्ट हो गई भैंस की आंख। वो बंद हो रही है, फिर स्टार्ट हो रही है। वो गैस थोड़ी सी गैस बढ़ा। अरे भैंस की आंख चल रही है, मेरे को तो यकीन ही नहीं आ रहा। अरे भाई बंद हो रही है। वो गैस थोड़ी सी गैस खोल, बंद हो गई यार। अबे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कसम से यार ये चल गई। भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया, गैस से चल गई। भाई साहब तुम लोग सोच सकते हो, मतलब मेरी ड्रीम बाइक गैस से चल गई। एक दफा और ट्राई करते हैं। लगा धक्का। अरे भाई हो गई स्टार्ट। इधर ला इसको। अबे हो गई स्टार्ट। अरे भैंस की आंख। अरे भाई
अबे मजा आ गया, मतलब मेरे को तो यकीन ही नहीं रहा बाइक स्टार्ट हो गई। अबे भाई साहब इनकी खुशी का लेवल चेक करो, अपनी बाइक जो है ना स्टार्ट हो गई है, मतलब मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा यार, कसम से। यार हमने अपनी ड्रीम बाइक को धक्के से तो स्टार्ट कर लिया है, अब जरा इसको किक से भी स्टार्ट करके देखते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं और किक से स्टार्ट करते हैं। गैस खुली है ना, बिस्मिल्लाह। गैस खोल। ओ भाई, अरे भैंस की टांग, अरे भाई साहब, अरे भैंस की टांग। अबे तुम लोग को यकीन आ रहा है? अरे भैंस की टांग, अरे भाई साहब, वो चल रही है भाई। इसको थोड़ा सा भगा के चेक करूं? ओ भाई चेक करो, मतलब अपनी बाइक गैस पे चल रही है, तुम लोग को यकीन नहीं आ रहा है? चेक करो भाई साहब, ओ भाई आगे भाग रही है, पूरे भैंस की टांग। अबे आला भैंस की, अबे मजा आ रहा है यार। यार मतलब अब तो पेट्रोल की झंझट ही खत्म हो गई, अब तो अपनी ड्रीम बाइक गैस सिलेंडर से चलेगी, मतलब चस आ गई यार, मजा आ गया यार आज तो यार, कसम से। मेरे को तो सच्ची में यकीन नहीं आ रहा कि अपनी ड्रीम बाइक गैस से चल गई। अपनी बाइक के अंदर तो अब पेट्रोल डलवाने की झंझट ही खत्म। एक तो यार पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया, पैसे जेब में होते नहीं, बस अब गैस भरवाएंगे और बस लेके निकल जाएंगे। यार माशाल्लाह से हमारी ड्रीम बाइक गैस से तो चल गई, मगर यार गैस भी तो महंगी है। भाई जान चाहिए तो मुझसे ले लो, फ्री में दे सकते हो, मेरे पास बहुत गैस है। सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर फहद भाई जैसा कांड करने का आपने सोचा और अगर आप धमाके से शहीद हो जाते हैं तो फहद भाई उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो ऐसा करने का कुछ भी मत सोचिए। यार मतलब तुम लोग यकीन कर सकते हो कि आपका भाई इसको गैस पर चला रहा है और माशाल्लाह से इसकी स्पीड भी बड़ी जबरदस्त है। ये चेक कर रहे हो, मतलब फुल प्रॉपर स्पीड के साथ चल रही है और दो दो लौंडे भी मैंने बिठाए हैं। मगर यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना, फहद भाई का दिल टूट जाएगा। मतलब सोचो यार, इतनी कोई पंचायत करता है क्या? फहद भाई इतनी बड़ी बड़ी पंचायतें करते हैं, ना तुम लोग सब्सक्राइब करते हो ना तुम लोग लाइक करते हो। छोड़ो यार, बस फहद भाई का दिल टूट गया। ये बाइक जो है ना, थोड़ी सी अगर हम स्पीड दे रहे ना इसको तो मिसिंग कर रही है। वैसे हम हल्की स्पीड में चला रहे ना तो गैस पे बहुत प्रॉपर तरीके से चल रही है, पेट्रोल की झंझट ही खत्म। ये देखो अभी मिसिंग कर रही थी, अब चली। ये देखो अब दोबारा मिसिंग करने लग गई। अबे भाई ये देखो, थोड़ी सी रेस दे रहा हूँ ना, मिसिंग कर रही है। अब स्लो स्पीड करूंगा फिर तेज चलेगी। अबे चल क्यों नहीं रही, गैस खत्म हो गई क्या? अबे ले बंद हो गई। ये देखो मिसिंग कर करके बंद हो रही है, झटके लग रहे हैं इसको तो। अपनी बाइक का प्लग ही शॉर्ट हो गया। इसकी स्पीड चेक करते हैं कि स्पीड कितनी है। अरे भाई थोड़ी सी गैस खोल, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी और खोल, खोल 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 खोल। ओ भाई झटके ले रही है, झटके ले रही है। ओ भैंस की, ये क्या हो रहा है? ये देखो झटके ले रही है, फिर भी यार बड़ी बात है गैस से चल गई। अबे अपनी बाइक को गैस से चलाते चलाते इसका प्लग ही शॉर्ट हो गया, वो देखो पीछे से टो कर रहे हैं। मतलब यार एक बात है, इस बाइक का थोड़ा सा साउंड भी ना चेंज हो गया जब ये गैस से हम चला रहे हैं इसको। ये देख रहे हो साउंड भी बहुत स्लो आ रहा है, शायद इसमें तुम लोगों को शायद आवाज आ रही हो, बिल्कुल हल्का सा साउंड आ रहा है। गैस से चलाने में साउंड भी चेंज हो जाता है। वैसे यार ये जो सिलेंडर वाली पंचायत है ना, ये समझ लो एक तरीके से बम है बम, अगर ये कहीं फट गया तो उसका तो दिवालिया निकल जाएगा। भाई साहब ये चेक करो, सारे के सारे अपन लोगों को देख रहे, क्योंकि अपन लोग ना गैस से बाइक चला रहे। कोई बोल रहा है यार ये क्या पंचायती लोग हैं, गैस से बाइक चला रहे। ये देखो यार आंटी भी देख रही है, सब लोग देख रहे हैं। आप गैस से बाइक चला रहे हो भाई? अबे पेट्रोल की पंचायत खत्म, अब तो गैस जिंदाबाद। हाँ अंकल गैस से बाइक चला रहे हम तो, मतलब नेक्स्ट लेवल है हम लोग। सब लोग हैरान हो रहे हैं, सब लोग हैरान हो रहे हैं भाई, रक्षे वाला भी हैरान हो रहे हैं कि यार आप लोगों ने गैस से बाइक चला कैसे ली। सच्ची बताऊं मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम गैस से बाइक चला रहे हैं, मेरे ना कसम से रोंगटे खड़े हो गए थे जब ये स्टार्ट हुई थी ना और जब ये चली थी। तुम लोग यार बस लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते ना, इस वजह से फहद भाई का दिल दुखता है, वरना फहद भाई के दिमाग में ऐसे ऐसे घासू घासू किस्म के आइडियाज आते ना यार, इसमें तो ना गैस लगेगी ना पेट्रोल। चुप कर बे कुत्ते। गैस वाली बाइक हम इसको चला रहे हैं अपने प्यारे से समुंदर के अंदर, जो कि हमारे गली वालों ने बनाया है।